दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन के बीच में होने वाले आईपीएल के 18th मैच का। 18th मैच जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा मोहाली में और ये होगा पंजाब के होम ग्राउंड पे। तो अगर हम लोग दोनों टीमों की यहाँ पर बात करते हैं तो गुजरात टाइटन्स 2 मैच जीता है, काफ़ी अच्छा जो है पोजिशन में है। पंजाब का देखोगे तो 2 मैच जीता, 1 मैच जो है ये हारा है, तो कह सकते हो कि ये भी जो है अच्छे पोजिशन में है। और ये मैच जो है आपको थर्सडे को यानी कि 13th अप्रैल को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा वो होगा 7:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है दोनों टीमें कर सकती हैं, कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं और साथ में कैसा जो है ये मैच हो सकता है, पीसी रिपोर्ट कैसा हो सकता है और किस तरीके से जो है आप ड्रीम इलेवन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टीम बना सकते हो कौन कौन से प्लेयर के हिसाब से, तो उसके लिए जो है आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अभी के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर से सेकेंड टीम में प्रोफी उठा सको, तो अभी तक जो है जो सुन लो मैसेज हुए हैं बहुत सारे लोग जो है प्रोफी उठा चुके हैं। आप जाकर टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो कॉल पर नीचे सर्च करके और फिर व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हो, ये जो है व्हाट्सएप का नंबर है। साथ में अगर आपको ड्रीम इलेवन के लिए टीम चाहिए तो ये जो है स्क्वाडिंग इलेवन टेलीग्राम पर सर्च करके जो है आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको टीम के साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स हेड टू हेड सब कुछ जो है वो आपको अपडेट होते रहते हैं, तो यहाँ से जो है आप जुड़ सकते हो, एक अच्छा सा जो है प्रॉफिट आप बना सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, तो ग्राउंड देखो मोहाली में जो है ये आपको मैसेज देखने को मिलेगा। मोहाली में जो है ये दूसरा मैच होगा और लास्ट में जो मैं देखा था जब उससे पहले भी डिस्कशन किया था तो बताया था कि यहाँ पे ना हाई और लो जो है बहुत ज़्यादा चलते रहता है, कंडीशन जो है ना पिच कंडीशन बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली मिलता है। और यहाँ पर हमने देखा भी कि शुरुआत में जो है पंजाब में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रन बनाया, बहुत ही अच्छा रन बनाया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर KKR की बैटिंग जो है वो बिल्कुल धराशाह हो गई थी और उसका रीज़न यही था कि मैंने यहाँ पे बताया भी था कि जैसे जैसे यहाँ पे मैसेज होते जाएगा जो बैट्समैन के लिए देखोगे ना तो स्विंग यहाँ पे कराना जो है ना शुरुआत में डिफ़िकल्टी ज़रूर होगा, बैट्समैन के लिए स्विंग खेलना डिफ़िकल्टी ज़रूर होगा। और यहाँ पे शुरुआत में देखा कि पंजाब ने शुरुआत का जब फेज आज जो है वो रोक लिया उसके बाद से बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने एक रन बनाया, बहुत ही अच्छा टारगेट रखा। लेकिन यही गलती जो है वो कौन किया था, कोलकाता ने, जहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि उनका शुरुआत जो है वो अच्छा नहीं था, स्विंग जो बॉल हो रहा था शुरुआत में जो उन्होंने विकेट दे दिया था और यही रीजन था कि वो बहुत ही बड़ा रन नहीं बना पाए। अब देखो कि बारी लड़खड़ाने के बाद भी जो है 140 के आसपास जो है पहुँच पाए थे। तो ये सीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आने वाले मैचेज में यहाँ पर फ्रेश पीसेज होगा, तो एक तो जो है बैटिंग फ्रेंडली पीसेज रहेगा लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरुआत का जो 2-3 ओवर होगा जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, किसी भी फ्री स्पेस पे जाओगे शुरुआत का जो 2-3 ओवर होता है बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल स्विंग करता है, उसमें अगर विकेट दे दिए तो अच्छा रन नहीं बनेगा, अगर उस पर विकेट नहीं देते हो तो एक अच्छा रन जो है वो बन जाएगा। और जिस तरह का यहाँ जो है मैचेज होने वाला है, ये वाला मैच गुजरात और देखोगे पंजाब का, पंजाब में भी रबाडा के आने के चांसेस हैं और गुजरात के आपको बॉलिंग अटैक पता ही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होने वाला है ये मैच। और खासकर इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मैचेज होगा ना, ये वाला मैचेज जो है वो 180 के आसपास जाएगा, 190 के आसपास जाएगा, इसके चांसेस जो है वो 50-50 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस रहेगा 170-160 के आसपास स्कोर जो है वो रुक जाएगा, कोई भी टीम यहाँ पर खेलेगी, दोनों का बॉलिंग साइड काफ़ी अच्छा जो है आपको देखने को मिल सकता है इस मैच में। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो जो रिसेंट यहाँ पे मैसेज हुए हैं उनमें से देखोगे लास्ट मैच के इंक्लूड करके 57 मैसेज हो चुके हैं, जिनमें से 25 मैसेज जो है डिफेंड हुआ है, जबकि लास्ट मैच भी डिफेंड हुआ था, और 32 जो है वो चेस हुआ और फर्स्ट बैटर पर देखोगे तो 170 के आसपास है, जो कि इसी के आसपास आपको यहाँ पे इस मैच में स्कोर जो है दिखाई दे सकता है। अब देखो दिखाई देने के 200 भी हो सकता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि हाँ शुरुआत में अगर बॉलिंग अच्छा होता है यहाँ पे तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि दोनों टीमों में कि ये जो है एक एवरेज स्कोरिंग एरिया के आसपास जो है इस मैच में पहुँच सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और स्कोरिंग पैटर्न में आप देख लोगे तो ज़्यादातर स्कोर एरिया आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 150 से 190 के बीच में जो है ज़्यादा रन जो है बने हैं और इसी एरिया के बीच में जो है आपको मैसेज भी अधिकतर देखने को मिलेंगे, जो कि ये जो है एक फेवरेबल एरिया है इस ग्राउंड के लिए जहाँ पे जो है रन बनते हैं। और डायमेंशन की अगर बात कर देते हैं तो लास्ट मैच के हिसाब से मैंने डायमेंशन भी जो आप लोग बताया था तो यहाँ पर डायमेंशन देखोगे तो 64 के आसपास जो आपको दिखाई देगा, ऑन एवरेज 64-62 है, यानी कि किसी साइड 58 भी हो सकता है, किसी साइड जो है आपको 62-65 भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा ग्राउंड जो आपको नहीं देखने को मिलेगा, इससे बड़ा बाउंड्री जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब टीम न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे पंजाब की तरफ से बात करते हैं तो शिखर धवन जो है लीड करने वाले हैं और लियाम जो है ये स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। अब प्लेइंग 11 में रहते हैं कि नहीं ये देखना होगा, और कगिसरा बट तो पहले से ही अवेलेबल है लेकिन मैच में प्ले नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है खेलने के इनके चांसेस बन रहा है कि ये जो है खेल सकते हैं। इसी तरफ अगर गुजरात की बात करें तो हार्दिक पांड्या को लास्ट मैच में जो है वो रेस्ट दिया गया था थोड़ी सी जो है वो अनफिटनेस की वजह से, तो यहाँ पे जो है इनको जो है वो ये लीड करेंगे और इसके अलावा जो है ये एक्स्ट्रा पेसर्स जो है वो ला सकते हैं जिस तरह का ग्राउंड है, हालांकि इनमें देखोगे तो वैसे भी जो है 4 पेसर जो है वो खेलते हैं, तो जो कि काफ़ी जो है ये आपको देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा अगर बात करते हैं प्लेइंग इलेवन का दोनों टीमों को, तो प्लेइंग इलेवन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे पंजाब की तरफ से अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब में शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह, मैथ्यू शॉट, इसके अलावा जो है जितेश शर्मा, इसके अलावा शाहरुख खान, सैम करन, इसके अलावा नेथन इल्स, मोहित राठी, इसके अलावा जो है हरप्रीत बरार को देख सकते हो, राहुल चहर और सदीप सिंह, और एक इंपैक्ट प्लेयर जैसे लास्ट में जो है उसके पहले भनुका राजपक्ष को लेके आते थे, उसके बाद से जो है ये सिकंदर राजा को जो है लेके आ रहे हैं। तो ये सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आते हैं कौन कौन से यहाँ पे कोविशे रबाडा और एक जो है आपको लियाम लिविंगस्टन अगर प्लेइंग इलेवन में रहते हैं तो मैथ्यू शॉट को जो है जगह नहीं मिलेगा, और साथ में एक देखो तो आपको नेथन इल्स को जो है जगह नहीं मिलेगा अगर रबाडा जो है यहाँ पे खेलते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब इसमें से देखोगे तो शिखर धवन का पम्प काफ़ी अच्छा है, पर वो सिमरन का जो एक केमियो रहता है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, जितेश शर्मा का भी जो है आपको ठीक देखने को मिल रहा है, और सैम करन का भी जो है केमियो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये जो होगा कि अभी के लिए जो है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। और अगर हम नेथन इल्स की बात करते हैं तो लास्ट मैच में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग किया था बॉलिंग में, हालांकि लास्ट मैच हार जरूर गया था पंजाब, उसके पहले पंजाब में देखोगे तो हर्षदीप सिंह का परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी अच्छा देखने को भी मिल रहा है। गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात में देखोगे तो आपको जो है रिद्धिमान शाह, सुमन गिल, साई सुदर्शन, इसके अलावा जो है विजय शंकर, देवीर मिलर, राहुल देवतिया, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, इसके अलावा जो है आपको मोहम्मद शमी, जोसेफ अजरी जोसेफ और यश दयान जो है आपको प्लेइंग में रहेंगे। अब इसमें से फॉर्म में कौन है, तो फॉर्म में देखोगे तो आपको शाह का फॉर्म अच्छा देखने को मिल रहा है, एक किमियो वाला फॉर्म देखने को मिल रहा है, एक किमियो तौर पर जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा फॉर्म देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे सुमन गिल का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, जो कि एक अच्छा जो है फॉर्म आप कह सकते हो। साई सुदर्शन का फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि लास्ट में जो आप देखोगे हाफ सर्जरी भी लगाया था इन्होंने, और विजय शंकर का फॉर्म भी जो है काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा देखोगे तो जो ये डेविड मिलर और राहुल देवतिया रहते हैं ये केमियो रोल रहता है इनका, तो केमियो रोल के लिए अगर आप पिक करना चाहते हो तो ले सकते हो। केमियो रोल होता है कि ये जो है आपको 10 बॉल पे 50 भी दे सकते हैं, 10 50 तो नहीं दे सकते, 10 बॉल पे 20 भी दे सकते हैं, 20 बॉल पे 30 40 50 रन भी दे सकते हैं, ऐसा जो है इनका रहता है। लेकिन चांसेस रहता है कि ये जो है बहुत ही कम ही बॉल खेलेंगे, तो वैसे जो है केमियो तौर पर रहते हैं। इसलिए हार्दिक पांड्या को जो है अभी विकेट भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हालांकि जो है परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा जो है पहले देखने को मिला था, लेकिन अभी रिसेंट के दो मैचेस ही खेले थे, उन दो मैचों में उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है अभी नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा बात करते हैं तो राशिद खान का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा बॉलिंग से देखने को मिला लास्ट मैच में हमें। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे समय का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, और एजोरी जो सब परफॉर्मेंस तो आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत ही बढ़िया जो है परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये जो है अभी के लिए आप इनका जो है पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस में पंजाब जो क्या देखोगे तो पंजाब जो है वो रिसेंट के जो तीन मैचेस खेला है, एक जो है वो 7 रन से जीता था डीएलएस मेथड से केकेआर से, जो कि पहला मैच हुआ था, 91 रन के आसपास जो है बनाया था। उसके बाद से राजस्थान से जो है इन्होंने गुवाहाटी में खेला था, जो कि 5 रन से जीत गए थे, और हैदराबाद से जो है 8 विकेट से हार गया था, जो कि बहुत ही बुरे स्थिति में फंसे हुए थे, लेकिन हालांकि एक जो है वो अच्छा खासा स्कोर के आसपास ले गए, लेकिन मैच जो है वो जीत नहीं पाए। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में देखोगे तो ये लास्ट के तीन मैचों में जो है ये इनका भी सेम कहानी है। पहला मैच जो है चेन्नई से जीते थे अपने ग्राउंड पे, दूसरा मैच जो है ये आपको दिल्ली से जीते थे दिल्ली के ग्राउंड पे, और तीसरा मैच जो है ये कोलकाता से हारे हैं। तो कहाँ पे हारे थे, तो ये हारे थे अपने ग्राउंड पे, तीसरे जो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है कोलकाता से इन्होंने जो है 200 रन चेस करवा दिया था। तीसरे में देखोगे तो थोड़ा जो है आपको यहाँ पे एक अच्छा सीनरी जो है दिखाई देगा, और साथ में जो ग्राउंड है वहाँ पर ड्यू परफॉर्मेंस जो है आएगा, हालांकि लास्ट मैच में दिल्ली में ड्यू नहीं आया था, और इसके रीज़न आप देखोगे तो एक छोटा सा स्कोरिंग एरिया भी था, लेकिन एक अच्छा सा जो है वो मुकाबला हुआ था, ड्यू नहीं आया था लास्ट मैच में। तो यहाँ पे जो है पंजाब में जो है ड्यू आने के चांसेस आपको रहेगा, काफ़ी अच्छा जो है ड्यू आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हेड टू हेड का, तो दोनों टीमें जो है अभी तक 4 मैचेस खेल चुकी है, और इन 4 मैचों से जो है दोनों टीमें 2-2 मैचेस जो है वो जीती है, यानी कि पंजाब जो है बहुत ही अच्छा खासा टक्कर गुजरात को देता है, और रिसेंट 4 मैचों में से ये 2-2 जो है वो जीते हैं। तो यहाँ पे अभी 50-50 का सीनरी चल रहा है, ये मैच देखना होगा कि कौन जो है किसके पाले में पड़ता है, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अब हम लोग टीम की, तो टीम में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेट्स था उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, तो आप सबसे पहले देखते हैं तो अगर विकेट कीपर की बात करते हैं तो साहा और प्रभसिमरन सिंह को जो है वो लिया है, और यहाँ पर हमने साहा को छोड़कर प्रभसिमरन सिंह को जो है वो लिया है। बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में देखोगे तो हमने ऐसे ऐसे बैट्समैन को लिया है जो कि सारे जो है फॉर्म में है, और यहाँ पर जो है अपने सारे जो है फॉर्म में लिया है, कोई बदलाव नहीं किया है। ऑलराउंडर की बात करते हैं, ऑलराउंडर में हमने सैम करन और विजय शंकर को जो है वो लिया है, जो कि यहाँ भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और यहाँ पे हमने एक चीज़ जो किया है वो लिया है हमने सिकंदर राजा को। अब देखो सिकंदर राजा की जगह जो है अगर लियाम लिविंगस्टन रहते हैं तो आपको लियाम लिविंगस्टन को पिक करना है, या फिर सिकंदर राजा को रह सकते हो। भनुका राजपक्षा अगर इम्पैक्ट थोड़े रहते हैं तो भनुका राजपक्षा को जो है पिक कर सकते हो, या फिर इसे लोग अगर रबाडा रहते हैं तो रबाडा को जो है आप पिक कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग हमने 4 लिया है। अब देखो हमने स्पिनर जो है वो एक लिया है, क्योंकि जिस तरह का ग्राउंड है स्पिनर जो काफ़ी अच्छा होगा टेक्निकली होगा उसी को जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो बाकी आप देखोगे तो बॉलर जो है वो हमारे दोनों टीम में सेम है,
इसके अलावा और भी टीमें जो है आपको जो व्हाट्सअप का नंबर है टेलीग्राम पे है वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो है आप जुड़ सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक जब मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन इंडिया में बहुत ही सही से प्रॉफी उठा सके, जो कि पिछले 16 मैच में बहुत सारे लोग जो प्रॉफी उठा रहे हैं, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, कॉर्पोरेट ईयर सर्च करके यहाँ पे आपको इसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और अगर आप ड्रीम इलेवन के लिए टेलीग्राम पे जुड़ रहे हो तो आप स्क्वाडिंग इलेवन पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे टीम से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाता है, तो आप जुड़ सकते हो और यहाँ पे जो है आप इन्जॉय कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके देना, क्योंकि अगली बार से जो है आपको सर्च नहीं करना पड़ेगी वीडियो, और नोटिफिकेशन के जरिए जो है आपको सारे वीडियो को अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।